बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। नाज़रीन मोहतरम, आज की बात कुछ ख़ास है क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनके ना होने से तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो जाने से बहुत सौ को फ़र्क पड़ता है। आज माशरे में ऐसे लोग जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, एक तबका उनकी बात सुनता है, वह ऐसी मिथ्स को हवा दे रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या यह सिर्फ व्यूअरशिप के लिए हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन की ही बात ले लेते हैं। कोविड वैक्सीन के लिए से बड़े बड़े एंकर्स ने यूट्यूब पेजेस के ऊपर ये बातें फैला रखी हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ ये बातें वाजे कर रखी हैं कि अगर कोई ये वैक्सीन लगवाएगा तो 2 साल के बाद उसको भी मौत का मजा चखना होगा। लेकिन आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, ये भी बात करेंगे। आगे चलकर इस बात को भी सामने रखेंगे कि अगर कोई शख्स अपने किसी इदारे के खिलाफ, इस मुल्क के इदारे के खिलाफ अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है तो रियासत का यह हक बनता है उसके खिलाफ कोर्ट ट्रायल में जाए या फिर उसको सजा दे। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोग ऐसी बातों को हवा देने पर ज्यादा यकीन रखते हैं जिसकी वजह से आम आवाम में गम गुस्सा पाया जाए। आखिर क्या वजह है, ये सब कुछ क्यों चीज़ें क्यों की जा रही है? ऐसी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडिटर इन चीफ DAG न्यूज़ दानियाल अख्तर। बहुत शुक्रिया दानियाल अख्तर, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला साहब अपने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दानियाल, सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है वैक्सीन की जो सूरत हाल है मुल्क में, बड़े बड़े एंकर्स की तरफ से इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि अगर कोई वैक्सीन लगवाएगा तो 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि हमारे माशरे में मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर्स ऐसी चीज़ों को हवा दे रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा से ऐसी चीज़ों पर प्रोग्राम करते आए हैं, बड़ी गहरी नज़र है आपकी इन चीज़ों के ऊपर, ऐसी बातों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह की मिथ्स को हवा दे रहे हैं, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए वकासुद्दीन साहब, मुझे लगता है कि जब आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं और आपको पब्लिक सुनती है, जिसे आजकल प्यार से इन्फ्लुएंसर कहा जाता है सोशल मीडिया, लेकिन मैं समझता हूँ गैर तस्दीक शुदा बात को वीडियो में बयान करेंगे और फिर उस पर भी आप टाल मटोल करेंगे कि अभी इस बारे में कन्फर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है ऐसा हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए, तो आप आवाम को मुसलसल, या तो मैं समझता हूँ कि आप उनको कन्फ्यूज़ करते जा रहे हैं और करते रहेंगे जब तक यूट्यूब की CPM नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, देखिए आप प्रोग्राम्स में बैठ के तो ये बात नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो तो आपको जो है अगले दिन ही जो है आप उनको पता है वो ताला लग जाएगा आपके दफ्तर के आगे और आपको घुसने नहीं देंगे दोबारा। तो आपने हथियार एक तरह से बना लिया सोशल मीडिया को। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ना इस बात में अब सदाकत होगी क्योंकि भाई इस बंदे ने बोल दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि वो बात ही कुछ और कर रहे हैं और उसका टाइटल तो उन्होंने लगा दिया था कि कोरोना से 2 साल बाद ही मौत वाकई हो जाएगी और उसके अंदर वो अभी भी कन्फ्यूज़ किए जा रहे हैं, क्या पता ऐसा हो जाए क्या पता ऐसा ना हो, लेकिन इसमें सदाकत भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जिम्मेदारान को, वो जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। जी दानियाल, दानियाल ये भी बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोग जो आजकल माशरे की सूरत हाल देख रहे हैं, सोसाइटी की सूरत हाल देख रहे हैं, अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोल देता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने पर यकीन रखते हैं, उनको जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, आवाम के अंदर गम गुस्सा फैलाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं वो उनको अपने चैनल्स पर क्यों ले कर आते हैं, एज ए एनालिस्ट क्यों बिठाते हैं, क्या वो तजिया जो माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वो बातें नेगेटिव करते हैं तो मीडिया पर बिठाने का आखिर मकसद क्या है? कम से कम रातों रात मशहूर होने के लिए, देखिए जी ये आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं, हमें कोई ऐसी चीज हल्की सी मिल जाए और उसको रातों रात वायरल करने के लिए हमें उस बड़ी शख्सियत का नाम मिल जाए और हम उसका थंबनेल लगाकर फिर जो मुंह में आएगा ऑल फॉल उसको बकना शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ना ही इसे सहाफत कहा जाता है, ना ही मैं समझता हूँ जर्द सहाफ़ी भी इसकी मुखालफत करेंगे कि भाई तू हमें भी बदनाम, हम तो पहले थोड़े से बदनाम है और ये वाली सहाफत करके तू हमारी तरफ इशारा दिलवाना क्या चाहता है। मैं समझता हूँ कि सदीक जान यकीनन एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने चाहिए कि कम अज़ कम अगर उनका जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा वाला मामला, और वो अगर उनका नहीं इतना उठाया आवाम ने, बस 1 दिन 2 दिन उठाया उसके बाद आवाम भी भूल गई और सदीक जान खुद भी उसको भूलना पड़ा कि नहीं व्यूज़ आ रहे भाई नहीं व्यूज़ आ रहे, तो अब हामिद मीर की तरफ उनका जो है वो तोपों का रुख हो गया है जिस तोप में सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि एक शख्स अगर दावे करता है इतने बड़े बड़े, और मैं समझता हूँ अगर कोई शख्स इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है तो वो उसको साबित करने वाला अहल भी हो, वो उसको साबित करने के लिए अहल भी हो। अगर एक ना अहल शख्स जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बेंचों पर जाके बैठता है और हर समाज का
हर समाज की रिकॉर्डिंग करके रिपोर्टिंग करके दूसरे चैनल्स को दे देता है। भाई तुझे तज्ज्यकार कब से बना लिया? और आपको तज्ज्यकार, मैं समझता हूँ तज्ज्यकार का मुझे लगता है इनको मतलब भी नहीं पता होगा जिस तरह से ये गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूँगा, थोड़ा सा वकास दुल्ला साहब, मैं वक्त आपसे लेना चाहूँगा काजी फैजी के हवाले से, ताकि आवाम को ज़रा समझ आ जाए मैं क्यों इतना थोड़ा सा गमो गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। काजी फैजी के केस हुआ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, उसमें केस हुआ, ठीक है चलता रहा। आवाम ने भी कहा जी एहतसाब होना चाहिए, जस्टिस काजी फैजी ने भी कहा कि यार होना चाहिए, लेकिन मेरी बीवी, उनकी वाइफ का जब ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज़ से, ना सियासत से, ना जुडिशरी से, किसी भी चीज़ से ताल्लुक नहीं है, किसी भी सिविल सर्विस से ताल्लुक नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन किया। तो FBI ने जब उनको क्लीन चिट दे दी तो सदीक जान मैदान में उतर पड़े और उन्होंने वही प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया कि जब नवाज शरीफ को हो सकता है, जब फलाने को हो सकता है, जब फलाने को हो सकता है, वही पुरानी घिसी पिटी पोयम सुनाना शुरू कर दी कि उनका भी होगा। अच्छा, अब दरमियान में जब आप एक बंदे के खिलाफ 24 घंटे लगे हुए हो तो कोई ना कोई रिपोर्टिंग मिल ही जाती है। सर मुझे भी पता चल जाएगा कोई एक शख्स मेरे खिलाफ बार बार रिपोर्टिंग बना रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने अगर आपको ये कह दिया कि आप अपने आप को सबसे अच्छे साफी समझते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात थी? सर आपने तो वापस आके आपकी शक्ल रोने वाली होगी, आपने तो शुरू हो गए कि वो जितने चमचे थे उनके साथ खड़े थे, वो सब निकट्टू निकम्मे थे, मैं वहाँ सबसे अच्छा था, मैं बाबा साफत था, मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की, वो समझते हैं वो सबसे अच्छे जज हैं, वो समझते हैं वो सबसे मुनसिफ सबसे अच्छे इंसाफ करने वाले हैं, वो समझते हैं मैं सबसे बड़ा मुसलमान भी हूँ। यानी आप दीन के साथ साथ दुनिया तो बर्बाद कर ही रहे थे, अब आप एक शख्स की दीन पर भी इतनी बुरी कदगन लगाने की कोशिश कर रहे थे। मगर मुझे लगता है कि फिर वही बात आ जाती है, बात तो जिल्लो मंतशा। काजी फैजी का केस खत्म हुआ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, अब ये बैठा चुप। अब हामिद मीर का केस आ गया था, उसमें भी वही चीज रिपीट हो रही है, तो इसे खत्म हो जाना चाहिए और मैं समझता हूं ये गलत। दानियल ये भी बताइएगा, आम आवाम जो है वो अगर एनालिसिस लेना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है कहीं कहीं से, फॉर एग्जांपल कि हम हामिद मीर का केस ले लें जो हाल ही में हुआ, जस्टिस काजी फैज ईसा का केस देख लें, तो आम आवाम जो है वो क्या सुने, कौन से ऐसे ऑथेंटिक बंदे हैं, कैसे वो अपना एक रिसर्च का जो एक लेवल है उसको इंक्रीज करें और बहुत सी बातें जो मिथ्स हैं उनको फॉलो ना करें। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आवाम को अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए चीज़ों को, ना कि सदीक जान या दानियल अख्तर और वकास अब्दुल्ला की नज़रों से चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप देखें सोशल मीडिया का जो अब दौर है उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत एडवांस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ हमें चुटकियों से भी, मैं समझता हूँ पलक झपकते ही हमें पता चल जाता है कि दुनिया के उस कोने में क्या वाक्या रोनुमा हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम को अपने हिसाब से, अपनी सोच के साथ चीज़ों को समझना चाहिए, किसी और पर या किसी और के नज़रिए से चीज़ों को देखना नहीं चाहिए, तो मैं इसमें ये कहूँगा। बहुत शुक्रिया दानियल अख्तर, आपके कीमती वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नज़रिए मोहतरम, अभी वक्त हुआ है, शुक्रिया वकास अब्दुल्ला साहब। मोहतरम अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडियन कोविड सिचुएशन के ऊपर कि प्रेजेंट में अभी फिलहाल कैसी सिचुएशन है इंडिया में कोविड की सूरत हाल को देखकर, और इतनी जो कोविड के सूरत हाल को लेकर बहुत ज़्यादा कोविड स्प्रेड हुआ, आखिर उसकी वजह क्या थी? हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नज़रिया मोहतरम, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कोविड की क्या सिचुएशन रही, लेकिन ये फ़िलहाल ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त कोविड की सिचुएशन क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ी हैं इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इकरा। बहुत शुक्रिया इकरा, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। इकरा ये बताइएगा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा कोविड डेथ्स हुई कोविड की वजह से, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो कैसे फैली, कोविड इतने ज़्यादा कैसे स्प्रेड हुआ, आखिर क्या वजह थी, ये बताइएगा। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। सो अगर हम देखें कि इंडिया में कोविड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, तो पहले तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी कोविड की सेकेंड वेव से सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से कोविड केसेज इंक्रीज हुए। सेकेंडली, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था और वो लॉकडाउन लिफ्ट अप किया गया एम्प्लॉयमेंट रीजंस की वजह से, तो लोगों के दिमाग में एक मिथ था कि कोविड ओवर हो चुका है और अब दोबारा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो चेकिंग्स थी उसमें भी लीनियंसी आई और लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे कोविड के उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया।
थर्डली लोगों के दिमाग में ये मिथ था क्योंकि दे वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो वो अपनी सोशल एक्टिविटीज लाइक रैलीज, पार्टीज, कैंपेन्स उनमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स. थर्डली ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि देयर वर सम स्टांसेस जहां पर लोगों को ये लग रहा था कि कोविड अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हमारे लिए वो बीमारी दोबारा ला सकता है या फिर उससे हमें कुछ एलर्जीज हो सकती हैं या फिर ऑर्गन डैमेजेस हो सकते हैं, तो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, देवर अनअवेयर, उन्होंने कोविड की जो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स थे और जो उन्हें फॉलो करना था उन्होंने नहीं किया. सो ये ज्यादा रीजन थे जिसकी वजह से कोविड इतना ज्यादा. तो फिर अभी जो सवाल है वो ये है कि आखिर अब इस वक्त में इंडियन जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसी कौन से तरीक़ाकार को इख्तियार करने के लिए आवाम को बोला गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कोविड फैला है इसमें आवाम का भी बड़ा किरदार रहा है, पॉलिसीज़ को ना फॉलो करना, SOPs को ना फॉलो करना. तो मुझे ये बताइएगा अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं और कौन से ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार करने के लिए आवाम को बोल है जिसकी वजह से इस महामारी को कंट्रोल किया जाए और कोविड की बढ़ती हुई सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए. अगर हम बात करें कि इंडिया में कोविड के केसेस खत्म हो गए हैं तो ये गलत होगा, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया में कोविड केसेस कम हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सेकेंड वेव इंडिया में थी जिसकी वजह से कोविड केसेस पीक पर गए थे, लेकिन अब वो काफी कम है और 92% रिकवरी रेट है इंडिया का. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जिसमें सबसे पहले आती है टेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि एक नया वायरस, एक नया म्यूटेंट आया था ऑफ कोविड इन इंडिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा टेस्टिंग इंक्रीज कराई. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन किए 18+ के लिए जो पहले सिर्फ 45+ के लिए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन जगहों पर लॉकडाउन इम्पोज किया जहाँ पर 600 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सजेस्ट किया, और जो भी फॉलो नहीं करा था उनके लिए स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज और फाइन्स अप्लाई किए. और अगर हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की, सो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ फैसिलिटीज की कमी थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडो तिबेटियन बॉर्डर के थ्रू कोविड केयर सेंटर जिसके अंदर 500 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं उसे दोबारा से रीओपन किया, जो लार्जेस्ट क्लेम किया जाता है वर्ल्ड में. हमारे पड़ोसी मुल्कों का सबसे ज्यादा हमारे लिए साथ रहा है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, साथ ही साथ पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया #, ये ट्रेंडिंग रहा 2 दिन तक, दे वर सपोर्टिंग अस. अगर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के वैक्सीन के लिए तो UK ने हमें वो प्रोवाइड किए. ऑक्सीजन की शॉर्टेज इंडिया में आई थी जिसको हेल्प करने के लिए सऊदी अरेबिया ने अराउंड गैलन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड की. वेरियस कंट्रीज लाइक टर्की, उज़्बेकिस्तान, नाइजेरिया and even WHO, उन्होंने हमें financial aid provide की, food supplies provide की. So what I can say कि हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से COVID eradicate हो गया, लेकिन जिस तरीके से हमारे सारे मुल्क हमारी मदद करें, government of India को support करें, अगर इसी तरीके से हम एक दूसरे को support करते रहे तो definitely one day हमारा पूरा world COVID से free हो जाएगा. बहुत शुक्रिया इकरा आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारी आवाम को और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के चैनल को ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच अगेन सो मच मुझे शो में बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स एन ऑनर फॉर मी. नजरीन मोहतरम, हमारा जो एक मकसद था, एक सिनेरियो क्रिएट करना था, वो आवाम को सिर्फ ये बतलाना था कि आपको कौन सी चीज़ों के लिए क्या राय रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को किस नज़रिए से देखना चाहिए. अगर कोई मेनस्ट्रीम मीडिया का एंकर है तो वो अगर सोशल मीडिया पर कोई भी बातें कर रहा है, ज़रूरी नहीं हमने उसकी बात को मानना है, बल्कि अपना भी ओपिनियन एक होना चाहिए. इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इंडिया की कोविड सिचुएशन को भी सामने रखा और हमें ज्वाइन किया इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इकरा ने. नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ. फिलहाल दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.